अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी और मच गया घमासान। इंटरव्यू वाली भर्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल का आरोप लगाते हुए अनुप्रिया पटेल एक चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी ले आती है तूफान। ऐसा तूफान कि मानो विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है, जिस पर अब आ गया है सरकार का जवाब। दरअसल हाल ही में अपना दल एस चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखती है। ऐसा लेटर जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तूफान सा ला देता है। अनुप्रिया पटेल ने एससी एसटी और ओबीसी नियुक्तियों में साक्षात्कार के जरिए भरी जाने वाली नौकरियों में गड़बड़ी की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि साक्षात्कार के जरिए भरी जाने वाली नौकरियों में आरक्षित सीटों पर ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सीटें आरक्षित होने पर भी एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल का कहना था कि इन सीटों को बाद में अनारक्षित भी किया जा रहा है। उनके इस पत्र से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। तो अब अनुप्रिया पटेल के इस लेटर का सरकार की तरफ से भी जवाब आ गया है। यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को पत्र का जवाब भेजा गया है। सरकार की तरफ से अनुप्रिया पटेल की तरफ से लगाए गए आरोपों का पूरी तरीके से खंडन किया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है कि साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें कोडिंग के जरिए नाम, सीरियल नंबर, आयु और आरक्षण श्रेणी को छुपा दिया जाता है। यूपी लोक सेवा आयोग ने अपने जवाब में बताया कि अभ्यर्थियों का पर्सनल विवरण इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं भेजा जाता, इसीलिए साक्षात बोर्ड नॉट फाउंड सुटेबल नहीं लिखता बल्कि ग्रेडिंग देता है। जवाब में आगे कहा गया है कि दो पालियों में होने वाले साक्षात्कार के औसत अंक को जोड़कर रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। साक्षात्कार के लिए जो अंक तय किए जाते हैं वही पैमाना है। यूपी लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक सफल होने के लिए रखे जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35% अंक सफल होने के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने अपने जवाब में ये तक कहा है कि तमाम संस्थानों में आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवार चयनित नहीं हो सका तो उसकी भर्तियां किसी और वर्ग को नहीं दी जाती हैं। दूसरी तरफ अगर कोई सफल उम्मीदवार उस पद के लिए नहीं मिला तो ऐसे में उस पद को उसी समूह के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब फिलहाल केंद्रीय मंत्री के पत्र का जवाब यूपी लोक सेवा आयोग ने दे दिया है। अब इसे एक चिट्ठी से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। देखना होगा कि इस पर अनुप्रिया पटेल की क्या प्रतिक्रिया आती है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।